ऑल द वाइल्ड बेरीज योर ऑल एसी सॉल्यूशन। होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं रेसिज्म के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग लॉकडाउन में हैं, कोई नई बात नहीं है। हम सभी जानते हैं हम इस समय लॉकडाउन में, पर मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई एम इन मुंबई एंड मुंबई का इस समय आप जानते हैं कि क्या हालत है। आज तकरीबन मुंबई में निसर्ग तूफान भी आने वाला है, उसकी पूरी तरीके से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हानि ना हो उसके लिए पूरे सुरक्षा कदम उठाए जा रहे हैं। रेसिज्म एक ऐसा मुद्दा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले मई में आपने देखा था कि पालघर में कुछ संतों की, दो संत थे जिनकी पुलिस के सामने, सिर्फ उन्हें कुछ नहीं पता था पर पुलिस ने ही एक मूक दर्शक कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ होती रही। और उस समय एक ह्यूमैनिटी, एक ऐसी चीज़ें नहीं निकली और उस केस को हमने दबा दिया। फिर उसके बाद हाल ही में एक और ऐसा केस हुआ, लेकिन हम जब बात होती अमेरिका की, जब मैंने कल सुधीर चौधरी जी का डीएनए एनालिसिस देखा और उनके विश्लेषण जो थे वो बहुत सही थे और बहुत सही और सटीक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आज की मीडिया किस तरीके से बिकाऊ हो चुकी है, किस तरीके से अपने ही देश का खाती है और अपने ही देश की हमेशा नीचे रखने की कोशिश करती है। अगर वो चाहे तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपके उस पूरे गत्वाधान को पूरे आत्मलोकन के साथ सुन रही थी, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सर कि जो चीज़ अमेरिका में हुई, आपको पता होगा भारत में और अमेरिका में सिर्फ दो चीज़ों का फ़र्क है, जिस वजह से शायद हम आज इतने पीछे हैं। अमेरिका में आप कुछ भी करो कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, और इंडिया में आप कुछ भी कहो आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। आपने देखा ही होगा जब कोई किसी भी इंसान को ट्रोल या फिर उसके ऊपर कमेंट, क्योंकि आज वैसे भी जियो का वरदान है, हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास 5G कनेक्टिविटी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी, लॉकडाउन रहे ना रहे। देश में इस समय कितनी भी आर्थिक मंदी आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत में हम क्यों ना फंस जाएँ, हमें खाने के लिए कुछ रहे ना रहे, हेल्थ न्यूट्रिशंस और हमारे जो सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं वो कहीं पे भी रहे, चाहे बेरोजगारी बहुत बढ़ जाए, पर हम अपना कीमती वक्त इंटरनेट पर गंवाना नहीं, ख़त्म कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में जब बात आ जाती है कि हम लोग दूसरे देश की एक ऐसी चीज़ को, बेशक मैं मानती हूँ कि जो चीज़ हुआ अमेरिका में वो गलत था, बहुत गलत था, पर आप जानते हैं ये जो मानसिकता, जिस मानसिकता के बारे में हम बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे ही देश में ऐसे कितने, आप मुझे एक व्यक्ति का नाम बताइए जो अपनी मेहनत को छोड़, अपने किसी हुनर को छोड़ और वो सिर्फ इसलिए वहाँ पर है क्योंकि वो अपने कलर्स को इंडिकेट नहीं करता। ऐसी कौन सी प्रतिभाशाली आप व्यक्ति को देखते हैं जिसमें कलर का भेदभाव नहीं होता। हमारे देश में आज भी दलितों को इतनी ज़्यादा तरीके से परेशान किया जाता है, पर उसके बारे में हम कभी नहीं बात करते क्योंकि हम कभी उस चीज़ को नहीं देखते। अगर सच में हम इतने ही होनहार होते, इतने ही हावी और प्रभावी व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते, तो शायद आज हमारे देश में ये सारी मुसीबतों के बारे में बात नहीं होता। हम कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं इंटरनेट पे तो अपना सबसे अच्छा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूबल थॉट्स वहाँ पर लिख कर आते हैं, पर यकीन मानिए हम में से कितने लोग हैं जो इस लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी सोसाइटी में एक ही व्यक्ति से जाके पूछा कि आपने खाना खाया कि नहीं, हमें पीएम केयर फंड में डोनेट करना है। ऐसा नहीं है, मेरे घर में भी बहुत सारे लोगों ने किया, पर ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब ज़रूरी होता है। हम सब 9 दिन, चाहे हमने देखा भी है 9 दिन तक, कई लोग 1 महीने तक उपवास करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान और कुदरत उन्हें वो चीज़ दे जो वो चाहते हैं। लेकिन क्या इस समय जब लॉकडाउन हमारे देश में है, क्या उस समय हमने ऐसी कोई भी बुद्धि का इस्तेमाल किया? नहीं। अगर ऐसे ही देश बंद रहा तो हम तो नीचे गिर जाएंगे।
यही हमने सोच करके लैक ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। हमने ऐसी मुसीबतों को क्रिएट की जिसका कोई सेंस नहीं है। हम अमेरिका से ज़रूर सीख लेते कि देखो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का किस तरीके से अद्वितीय भाव में प्रभाव हो रहा है, लेकिन क्या हमने एक बार भी ये सोचा कि जो चीज़ इस समय हो रही है उसके पीछे का, और ज़रूरी भी नहीं कि आप उस